तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कांग्रेस को चुभने वाली बात। हरियाणा चुनाव की जीत पर गदगद हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चुभने वाली बात बोली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद पीएम मोदी भी खुश दिखे। जब बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई तो पीएम मोदी एक बार फिर से फ्रंट फुट पर आए और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा आप भी देखिए। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कही कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी फाइव स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी पानी मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित पिछड़े आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे।